नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक दोस्तों आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia भी कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, सोशल मीडिया पर मोदी जी की जमकर के हो रही है फजीहत। उनके ही द्वारा दिए गए बयान पर पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया और कहा कि जब ट्रेन में भीड़ के कारण मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़ करके ज्योतिष की तरह देखना शुरू कर देता था, इसके तुरंत बाद लोग मुझे सीट दे देते थे। इसी बयान पर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने तंज कसा और कहा कि जो इंसान बचपन में ट्रेन की एक सीट के लिए फर्जी ज्योतिष बन गया हो वो 272 सीटें जीतने के लिए कितना गिरेगा, आप ही कल्पना कर लीजिए। ये कहना है कांग्रेस के नेता का। और वहीं एक अन्य यूजर ने पूरे मामले पर कहा है कि मतलब सीट पाने के लिए शुरू से ही भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं, कभी ज्योतिषी बनकर के, कभी चाय वाला बनकर के, कभी चौकीदार बनकर के, कभी जुमला फेंक करके, कभी फर्जी गारंटी देकर के, मकसद सिर्फ सीट पाना ही है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय, महत्वपूर्ण राय पीएम मोदी के बयान पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली पुलिस ने नमाज पढ़ रहे शख्स को मारी लात। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी निलंबित किया गया है, लेकिन निलंबन तो हो गया ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है कि इस पुलिस वाले में इतनी नफरत आखिर आई कहां से। अगर खाकी में इस तरह नफरत फैल रही है तो यहां पर बहुत चिंताजनक बात हो चुकी है। उस पुलिस अधिकारी का निलंबन ही काफी नहीं है, उसके खिलाफ में पुलिस को मामला दर्ज करना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले यहां पर 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वायनाड से राहुल गांधी उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी ने फूंका है बिगुल लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अब बेहद ही पास आ चुका है, राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज 39 उम्मीदवारों की सूची का चयन किया है, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है, बीजेपी की उड़ने जा रही है नींद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर 17 मार्च को मुंबई में होगी भव्य रैली, एमबीए के सभी बड़े नेता इस रैली में होंगे शामिल। बीजेपी की उड़ी नींद, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली के आयोजन के साथ में समाप्त होगी। नाना पटोले ने आगे कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 मार्च को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय यात्रा की समापन रैली 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी। उन्होंने यह भी बताया है कि रैली के लिए पार्टी को सारी अनुमति भी मिल गई है। पटोले ने कहा है कि एमबीए के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व एनसीपी समूह भी शामिल है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विशाल रैली होने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में, और यहां पर माना जा रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा की भीड़ जुटाई जाएगी एमबीए के तरफ से। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण बोले स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, अवमानना की है, उसका आदेश नहीं माना है, एसबीआई पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि अवमानना का मामला चलना चाहिए, जज
खुलेआम पार्टी और पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो कमजोर होगा जनता का अदालत पर यकीन, लोग फिर यकीन ही नहीं करेंगे किसी भी जज पर, ये कहना है प्रशांत भूषण का। क्योंकि जज लगातार खुलेआम पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं इस्तीफा देकर के। हाल ही में उन्होंने यहां पर उदाहरण भी दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला कि जज गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी मामले पर उनका कहना है कि ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, बीजेपी में ही सेंधमारी करेंगे उद्धव ठाकरे। नितिन गडकरी को दे दिया है बेहद ही बड़ा ऑफर। आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी पार्टियां अपने समीकरण साधने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। असल में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक बड़ा सियासी ऑफर दिया गया है। वो ऑफर महाविकास आघाड़ी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ना। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नितिन गडकरी, आपको दिल्ली के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, हम आपको एमबीए से टिकट देकर के जिताएंगे। जिनकी वजह से बीजेपी का महाराष्ट्र में आधार बना है, उन्हें ही पहली लिस्ट से बाहर रखा गया। अब उद्धव ठाकरे का यह बयान यहां पर मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी के जब भी बड़े नेताओं की बात की जाती है तो उसमें नितिन गडकरी का नाम भी जोड़ा जाता है। लेकिन यहां पर कुछ सालों से लगातार दो ही लोगों का बीजेपी में दबदबा बढ़ता जा रहा है, और यहां तक कि नितिन गडकरी को बीजेपी ने पहली सूची में उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के बैंक खातों पर जारी रहेगा आईटी का एक्शन, हाई कोर्ट जाएगी अब कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, बताते चले, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि आईटीए ने पिछले वर्षों के टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और बहुत जल्द ही इसके खिलाफ में हाईकोर्ट का रुख करेगी। आईटीए ने आयकर विभाग की ओर से 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ में कांग्रेस की अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद में पार्टी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बताते चले, आर्थिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को चोट देना चाहती है बीजेपी, ताकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव ही ना लड़ पाए, इसीलिए यहां पर उस पर ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।